कुछ दिन पहले एक पति पत्नी मेरे पास में आए सेक्सुअल प्रॉब्लम और कंसल्टेशन के लिए आए, काफी डिप्रेस, और अभी उनको चाहिए था सॉल्यूशन कि हम क्या करें ताकि हमारा हमारी शादी बचेंगी, अदरवाइज हमको डिवोर्स लेना पड़ेगा। तो शादी बहुत सिंपल साइकोलॉजिकल बातें रहती है, वो कैसी ठीक हो सकती है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करूँ। ये दोनों आए मियाँ बीवी, मिस्टर मिसेस पति पत्नी आए। ये काफी बड़ा ऑफिसर है, सुबह जाता है रात को वापस आता है, आने के बाद में खाना थक गया हूँ करके सो जाना। शादी को एक साल सवा साल हुआ है और बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है सेक्स करने में। जब कभी सेक्स हुआ इनका तो वाइफ को कभी अच्छा लगा ही नहीं, उसने कभी एंजॉय किया ही नहीं। जब उसको एंजॉयमेंट नहीं मिलती तो फिर वो बोलती है कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, नहीं तो भी आप आते हैं कुछ तो भी करते हैं निकल जाते हैं, मुझे तो मजा भी नहीं आ रहा। तो फिर धीरे धीरे उसका भी इंटरेस्ट चले गया। अब जो उसका इंटरेस्ट चले गया वो भी इंटरेस्ट नहीं, इसका भी इंटरेस्ट निकल गया और दोनों में संबंध अभी बहुत दिनों के बाद आने लगे। मतलब 8-15 दिन एक आधी बार सेक्स किया तो करते हैं और वो भी उसको लिंग में कठोरता आती नहीं। तो ऐसा प्रॉब्लम लेके आए, बोले मुझे वो उसकी पत्नी बोले मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आती है और फिर मुझे लगता है कि जान दो फिर ये जबरदस्ती कुछ तो भी कर रहे हैं। इनकी इच्छा भी रहती है, मैं कभी बोला उनको तो बोलते नहीं अभी मैं थक गया हूँ, जबरदस्ती किया तो करते और मुझे मजा नहीं आती ताकि फिर मैं भी बोलती नहीं हूँ। और ऐसा लगता है कि मैंने शादी फालतू किया, शादी कर देनी तो अच्छा था, मुझे तो ऐसा चलते रहा तो मुझे डिवोर्स लेना पड़ेगा। जब उनको देखा तो मालूम पड़ा कि भाई ये जो है व्यक्ति ऑफिसर लेवल का आदमी है, सुबह जाता है काफी टेंशन से, टूर करना पड़ता है, घूमना पड़ता है और फिर घर में आने के बाद में थक जाता है, इच्छा नहीं है। मतलब क्यों ऐसा होता है, इच्छा क्यों नहीं है? तो मालूम पड़ा कि उसको पैशन ही नहीं है काम का, जबरदस्ती काम कर रहा है, कोई इच्छा ही नहीं, मजा नहीं आ रहा काम में। बोले मैं तो ये कुछ दिन करने वाला हूँ, बाद में फिर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बिजनेस डालने का, मेरा बॉसिज्म समझ मेरे को जमता नहीं है। लोग बॉसिंग जब करते हैं हमारे अधिकारी लोग तो जमता है, ऐसा लगे कि उनको एक मार दूँ और निकल आऊँ बाहर, पर मुझे मजा नहीं आ रही है। तो वो व्यक्ति काफी अच्छा तनख्वाह मिलने के बाद में 40-45 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, उसके बाद में भी मजा नहीं आ रही करके जबरदस्ती काम कर रहा है और जबरदस्ती काम कर रहा है तो थक जाता है, शाम को जब घर में आता है तो कुछ इच्छा रहती नहीं है, काफी सारा काम का टेंशन लगता है और आने के बाद में कोई सेक्स करने की बिल्कुल इच्छा नहीं, ऐसा लगता है कि खाना खाओ और सो जाओ। जब भी कभी सेक्स किया तो उसे बराबर हुआ ही नहीं, कठोरता लिंग में आई नहीं, वाइफ को मजा नहीं आया। तो उनको मैंने काउंसिलिंग किया कि भाई आप ऐसा करो, सिंपल चीज, एक तो आप ऐसा करो कि भाई रात को सेक्स करना ही नहीं, आप थक जाते हो, इच्छा नहीं है तो चलो रात को सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, और जब सुबह जल्दी वैसे भी आप उठते हो तो सुबह सेक्स हो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और उसको ये मैंने बोला कि जो भी आपने पहले सेक्स किया है इसमें आपका एक तो जल्दी गिर गया, मतलब प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। क्या होता है कि स्त्री को कामोत्तेजना होने के बाद में उसको शांति मन को आने के लिए कुछ टाइम लगता है, मतलब उसका क्लाइमैक्स आने के पहले यदि आदमी शांत हो गया तो उसको लगता है कि नहीं उसने आगे और इंटरकोर्स चालू रखना चाहिए, मगर तब वो यदि उसकी कठोरता निकल गई, इजैकुलेशन हो गया तो इंटरकोर्स आगे चालू नहीं रख सकता, वो बाजू हो जाता है और इसकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर चिड़चिड़ करना चालू और फिर अगले बार इंटरेस्ट रहता नहीं। तो मैंने उसको ये बताया कि स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक क्या है, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक में जो उन्होंने बताया हुआ उसका काउंसलिंग मैंने किया, कुछ उसको दवाई दिया ताकि कठोरता लिंग में आएंगी कुछ दिन के लिए, और उसको ये बताया कि क्लाइटोरिस को स्टिमुलेशन करना बहुत जरूरी है, रादर देन इंटरकोर्स करने के समय योनि में लिंग डालना और वहां अंदर बाहर करना, उसके बदले क्लाइटोरिस को स्टिमुलेशन करना बहुत जरूरी है, और वो आप यदि करते हो तो पत्नी को बहुत समाधान और आनंद मिल जाएगा। ये उनको सेक्स एजुकेशन देने के बाद में एक दो सीटिंग और बाद में फिर वो चले गए, 8 दिन के बाद में आए तो बहुत खुश थे, बोले हमने अभी हमारा पूरा ये रोज का रूटीन ही बदल दिया, हम सुबह सेक्स करते हैं, वाइफ को भी मजा आ रहा है क्योंकि इसका जो उसको जो टेक्निक मैंने सिखाया मास्टर जॉनसन का, उसको जो दवाई दिया जिसके वजह से उसका जो इजैकुलेशन था शीघ्र पतन था हो रहा था वो भी काफी समय से हो रहा है। मैंने फोर प्ले काफी समय करने के लिए उसको बोला कि फोर प्ले करो, एक दूसरे को कैसा स्टिम्युलेट करने का बताया उसको। मैंने ये भी बताया कि इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर जो है वो सबसे बेस्ट सेक्स टॉनिक है, वो आप एक दूसरे में कैसा इंटरेस्ट ले सकते वो देखो। सब काउंसलिंग करने के बाद में 8 दिन के बाद में जब आए उनका प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो चुका था, वो सिर्फ बोले हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए, अभी हमारा सेक्स लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि काफी सारी बातें साइकोलॉजिकली रहते हैं, एक दूसरे को सुख देना, मन को शांति देना और क्लाइमैक्स दोनों ने एंजॉय करना है सेक्स में बहुत जरूरी होता है। वो नहीं हुआ तो फिर उसका इफेक्ट बढ़ते 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 जाता रहता है और एक दूसरे से दोनों पति पत्नी दूर हो जाते हैं क्योंकि समझते हैं कि मजा नहीं आ रही है, करना क्या है। तो एक काउंसिलिंग होना, एजुकेशन होना जरूरी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर काफी सारे आपके जो दोस्त होंगे
जो नए नए मैरिड है उनको पता नहीं है कि क्या करना है, लोगों को काफी लोगों को अज्ञान है इसके बारे में, तो लोग देखेंगे और उनका जो काम जीवन जो है वो ठीक तरह से हो जाएगा और उनके जीवन में आनंद आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।